मुखिया की हैसियत से मैं दिन भर इन पे डांटता रहता हूँ, आदेश देते रखता हूँ, निर्देश देता रहता हूँ। तो जो फादर होता है वो डांटता है, फिर लाड़ प्यार भी तो करता है। तो लाड़ प्यार देने के लिए आज मैं इनके बीच में था। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मैं लगातार यहाँ आता रहूँगा और लाड़ प्यार इनको देता रहूँगा, तभी दिन में डांट पाऊंगा। कोई खास नसीहत जो दी होगी? खाने पे काय की नसीहत है, बात खाने पे बातें होती सर। खाने पे जो बातें होती हैं, मैंने यही पूछा, खाना ठीक बन रहा है तो उनका बढ़िया बन रहा है, मैंने भी खा करके देखा तो बढ़िया इनका भोजन बन रहा है। और हमारी सामान्य सी बातें हुई, सामान्य से इनकी जो भी अब दिक्कत समस्या तो हर किसी के जीवन में, वो अंतहीन सिलसिला है, उसका अंत नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कम्युनिकेशन बना रही है, संवाद जो है लगातार बना रहना चाहिए। तो संवाद, ये जब मेरे चैम्बर में आते हैं यूनिफॉर्म में, तो एक डेकोरम है, ये वहाँ शायद हो सकता है इतना खुल करके नहीं बोल पाएँ कि भाई थोड़ा हिचक हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक बिल्कुल सहज वृत्ति रहती है आदमी की, और उतनी सहजता से मैं रहता हूँ, प्रयास किया और ये सतत मैं आता रहूँगा और आप लोग को बुलाता रहूँगा। आज आपके कई सारे लोगों के व्रत थे, तो अगली बार मैं व्रत तोड़वाऊंगा आप लोग। सर एक अंतिम सवाल, स्ट्रेस में रहते वो कहते हैं कि बहुत हार्ड, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है जब अधिकारी साहब से बात करें। मैं प्रयास करूँगा इनको समझाने का, स्ट्रेस और स्ट्रेन से जीवन में कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। ऊपर वाले ने बड़ी नायाब जिंदगी दी है और एक बड़े किस्मत से वर्दी मिल गई हमको जनता की सेवा करने के लिए, तो हमें खुशी खुशी अंजाम देनी चाहिए। अब छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि उसकी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, ड्यूटी हार्ड है इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी सरकारी महकमा आप ले लीजिए, वो जितनी ड्यूटी देता है, जितनी तनख्वाह मेरे कांस्टेबल को मिलती है, वो उससे दुगनी ड्यूटी देता है। सुबह जाता है, दोपहर में करता है, रात में करता है, यहाँ तक कि थक के आया मैं इसमें, यहाँ सो रहा है अपनी बैरक में और अचानक हम विसल बजा देंगे, चलो भाई लॉ एंड ऑर्डर हो गया। कल हमने शिव थाना क्षेत्र में रात में 11-12 बजे टेंट लगा, तो यहाँ से 20-25 आदमी जवान वो सो रहे थे, उठाया कि जाइए आप शिव ने, उन्होंने मना नहीं किया, वो बड़ी सहजता से गए अपनी ड्यूटी को समझते हुए। अब ये संभव नहीं है जो मान लीजिए कलेक्ट्रेट में, मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि भाई तुरंत अब किसी को बुलाना जाना है, रात में सुबह ही होगा मामला। तो हमारा जवान किसी भी राज्य सरकार के महकमे से आप कंपेयर कर लीजिए, उससे ज़्यादा ड्यूटी देता है, और उसके शायद तनाव में रहने का कारण भी यही है, छुट्टी आसानी से नहीं मिलती। अभी बिल्कुल ताज़ा ये एडिशनल एसपी साहब मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे डिप्टी एसपी को छुट्टी जानी है, उसके घर में किसी की मृत्यु हो रखी है, बैठने जाना है। कल एक वीआईपी मूवमेंट है, मेरे पास अभी कोई सीओ नहीं है, कोई ट्रेनिंग में गया हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था, तो अब वो मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि भाई वीआईपी मूवमेंट कराओगे उसके बाद जाओगे। तो ये इस प्रोफेशन की मजबूरी है, प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं, ये स्वीकार करने पड़ेंगे। मैं आज बाड़मेर में बैठा हूँ, मेरा परिवार जयपुर में 550-600 किलोमीटर दूर है,
मेरे पिताजी वयोवृद्ध हैं, बीमार हैं, अब मुझे कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी उनकी कि वो वहाँ पे देखभाल हो सके। तो यही मेरा सिपाही भी चाहता है, गांव में है, गांव के नज़दीक मिल जाए पोस्टिंग, इस बात का स्ट्रेस ट्रेन, लेकिन उनको समझाने का प्रयास करूँगा। ये तो जीवन में सतत प्रक्रिया चलेगी, लेकिन वर्दी मिल गई, सौभाग्य है आपका कि आप कुछ बेहतर समाज के लिए कर सकते हैं।